अस्सलाम वालेकुम पार्क व्हीलर्स, मेरा नाम है बहराम अली और आज हम आपके लिए लाए हैं एक बाइक का ओनर्स रिव्यू। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बताता चलूँ, parkwheels.com इज द नंबर वन ऑटोमोबाइल साइट फॉर बाइंग सेलिंग ऑफ कार्स, बाइक्स एंड ऑटो पार्ट्स। आज जिस बाइक का हम ओनर्स रिव्यू आपके पास लेके आए हैं वो होंडा की CD200 रोडमास्टर है। इस बाइक की काफ़ी प्रोमिनेंट हिस्ट्री है पाकिस्तान में। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आपको इस बाइक के ओनर से मिलवाते हैं और उनके साथ ही इस बाइक की जितनी भी स्पेसिफिकेशंस और जिस जिस तरह से उन्होंने इसको रिस्टोर किया है वो सारी हिस्ट्री हम मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? काइंडली हमारे व्यूवर्स को अपना इंट्रोडक्शन पहले दे दें। जी, मेरा नाम अली मरवंदी है और मैं पाकिस्तान के शहर लाहौर से हूँ। सबसे पहले मैंने जो रिस्टोर किया था क्लासिक्स बाइक्स में, हमारे घर के पास एक कबाड़िया था, उससे मैंने एक वेस्पा स्कूटर लिया और उसको रिस्टोर किया। अक्सर दोस्त मुझसे पूछते भी थे कि यार ये क्या चीज़ आपने ले ली और इसको आप आधा धक्का देते हैं और आधा आपको इसको इसके ऊपर झूले लेते हैं, लेकिन खैर हिम्मत नहीं आ रही। वो पहले रिस्टोर किया वेस्पा और उसके बाद फिर बाकी बाइक्स थे। आज अली भाई हमारे लिए CD200 होंडा का रोड मास्टर लेकर आए हैं। अब इनसे हम इसकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह पूछते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अली भाई, मुझे इसका मॉडल बताएं और आपने ये बाइक सोर्स किस तरह से किया? सर, इसका मॉडल है 1982 का ये मॉडल है और ये एक दोस्त के घर खड़ा हुआ था, तो उनसे बड़ी मतलब कि 4 साल के बाद मुझे ये बाइक मिली और उसके बाद फिर मैंने इसको रिस्टोर करना शुरू किया। अच्छा व्यूवर्स, आपको मैं बताता चलूँ, इसके रोड मास्टर का जो प्रोडक्शन ईयर है वो 1980 से लेके 2004 तक ये लास्ट बना हुआ है। जिस तरह से मैंने इसके इंट्रोडक्शन में बताया था कि इस बाइक की बहुत प्रोमिनेंट हिस्ट्री है पाकिस्तान में, वो इस तरह से है कि ये बाइक्स जो थे ये आर्मी के यूज़ में बेसिकली आए थे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये आर्मी ऑक्शन ही होते थे और मतलब कि बहुत मेरे ख्याल से कम लोगों को ये अच्छी हालत में मिले थे। जी बिल्कुल, ऐसे ही है, आर्मी ऑक्शन की ये बाइक्स होती थी और फिर इनकी जब नीलामी होती थी तो उसमें ये अक्सर जो बाइक्स जाती थी कर्नल ब्रिगेडियर के घरों में अक्सर खड़ी होती थी। अच्छा अली भाई, सबसे पहले तो इसका सबसे प्रोमिनेंट फीचर जो है वो इसका इंजन है, उसके बारे में बताइएगा। सर ये रोड मास्टर 200 cc है। व्यूवर, जो इससे पहले जो बाइक्स आई थी वो 175 सबसे पहले आई थी, उसके बाद 185 थी और फिर इन्होंने ये CD200 इंट्रोड्यूस करवाया था। 175 185 में काफ़ी कंप्लेन थी और आई होप सो कि कई लोगों के पास अभी भी वो रनिंग कंडीशन में होगी। उसमें काफ़ी कंप्लेन आती थी कि इंजन वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होती थी, मगर CD200 रोड मास्टर को और इसको टाइटल जो रोड मास्टर का मिला था वो इसीलिए मिला था, इसका इंजन उन्होंने बहुत रिफाइन किया था। CCs भी बड़े थे, टेक्नोलॉजी भी इन्होंने थोड़ी सी चेंज की थी, मगर इंजन बहुत ज़्यादा रिफाइन हो गया था अली भाई इसी तरह से। जी बिल्कुल, इस तरह के रोड मास्टर जो है अक्सर अभी आप देखेंगे खुंजराब के साइड पे अक्सर ये लोग टूरिस्ट पे जाते हैं, तो हम लोगों का काफ़ी से दोस्त है जो ग्रुप है पूरा रोड मास्टर का। रोड मास्टर ये है कि ये रोड के ऊपर इसकी ज़्यादा बबलिंग नहीं होती, पहाड़ी इलाकों में आप चले जाएँ तो अक्सर ये खुंजराब वाली साइड पर जब हम लोग जाते हैं तो इस पर ये होता है कि हम लोग टूर ईजिली कर सकते हैं, कोई तंगी इसमें नहीं होती। अच्छा अली भाई, इसकी आप बताइएगा कि इंजन को आपने रिस्टोर किस तरह से किया और कहां कहां से इसके पार्ट्स आपने सोर्स किए और इंजन की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं? सर ये इंजन जो है ये 200 cc है, ठीक है, और इसमें डबल पिस्टन चलता है, ठीक है, और अक्सर ये होता है कि पिस्टन की ज़्यादातर इन गाड़ियों में ज़्यादातर पिस्टन का इशू आता है, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा जैपनीज़ बाइक्स जो पुरानी क्लास जैपनीज़ बाइक्स हैं उसमें ज़्यादातर रिस्टोरिंग का जो भी मसला आता है वो ज़्यादातर पिस्टन का ही आता है और पिस्टन इसके नॉर्मली इजीली मिल जाते हैं। बाकी इसकी क्लच प्लेट्स वगैरह और बाकी जो पार्ट्स 125 की आप क्लच प्लेट्स इसमें यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। और बाकी इसकी वायरिंग वगैरह, जहाँ तक वायरिंग की बात है, वायरिंग भी इसमें आप 125 की, इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स जो है वो 125 के आप यूज़ कर सकते हैं रोड मास्टर में, ठीक हो गया। अच्छा इसका सबसे ज़्यादा एक जो प्रोमिनेंट एक और फीचर है इंजन में, इसकी कई लोग जो हैं इसके साइलेंसर चेंज करवा देते हैं, आपने इसके ओरिजिनल साइलेंसर किए हैं, ये आपने कहाँ से सोर्स किए? सर मैं आपको बताऊँ कि गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पे अक्सर आप देखेंगे वहाँ पे लोगों ने साइलेंसर जो हैं वो छोटे बोर में रखे होते हैं। इसमें दो किस्म के साइलेंसर आते हैं, जो छोटे बोर वाले साइलेंसर होते हैं उसमें ये होता है कि वो सुबह किस टाइम आप जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं स्पेशली जो रोड मास्टर होता है तो इसको आप थोड़ा सा हीट अप इसको देना पड़ता है, जब तक ये गर्म नहीं होता ये ड्राइव नहीं कर सकता। मगर आपने ये सोर्स कहाँ से किए कि साइलेंसर? ज़्यादातर दुबई से हम लोग इम्पोर्ट करवाते हैं, बहुत सारा सामान जो है वो दुबई से हम लोग इम्पोर्ट करवाते हैं, रोड मास्टर पर भी दुबई में चल रहे हैं। अच्छा अली भाई, ये हो गया इंजन, अब मुझे बताइएगा कि इसका फ्रेम किस हालत में था और बॉडी पार्ट्स पे रस्ट की क्या मतलब के हालात थे जब आपको ये बाइक आपने परचेज़ की थी? जब ये बाइक मैंने परचेज़ की थी सर तो इस पर ये काफ़ी बहुत ज़्यादा आप इसको कह लें कि जंगीन हालत में था, ठीक है, और काफ़ी सारे इसके बॉडी पार्ट्स जो थे वो गल गए थे और एक फ्रेम बचा हुआ था, फ्रेम के लास्ट यहाँ वाला हिस्सा जो है एंड वाला हिस्सा इसको दोबारा से हमने रिस्टोर किया था। A to Z सामान जो है मैंने बाहर से इंपोर्ट करवाया, साइलेंसर टैंक हो गए, साइड के कवर हो गए। अच्छा व्यूअर्स, इसका एक और आपको प्रोमिनेंट फीचर मैं बताऊं, काफ़ी लोग समझते हैं कि रोड मास्टर में भी जो
मीटर होता था, स्पीडो मीटर होता था, वो लाइट के अंदर आता था, मगर वो इस तरह से नहीं था जो इसकी प्रीवियस जनरेशन थी 175 में, उसमें आता था 185 में और CD200 में सेपरेट मीटर, स्पीडो मीटर और सेपरेट लाइट होगी थी। इसका मतलब कि रोड मास्टर का आप ये समझ कह सकते हैं कि इसका पूरा जो एक डिजाइन फीचर है जी, वो कंफर्ट है राइडर के लिए, ऐसे ही है बिल्कुल। आपने गालिबन इसको काफी लॉन्ग टूर्स पे भी इस्तेमाल किया, आप हमारे कई शोज पर आते भी हैं आउट ऑफ सिटी। पाकिस्तान के अंदर पाकिबिल्स का अभी तक जो भी इवेंट्स हुए हैं, हम लोगों ने आज तक इवेंट मिस नहीं किए, वो इसलिए कि क्योंकि क्लासिक्स बाइक्स में ट्रायम्फ है और जापानीज बाइक्स में, जब क्लासिक्स बाइक्स में आती हैं वो रोड मास्टर है। रोड मास्टर जो है इस पर बिला झिझक में, अक्सर लोग डरते हैं कि प्लग ख़राब हो गया, ये हो गया वो गया, मुझे आज तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी बात की टेंशन नहीं हुई। इस पर मैं लॉन्ग ड्राइव किया है, लास्ट हम लोग को पिशावर का इवेंट था उस पे गए हैं, इस्लामाबाद का इवेंट था उस पे गए हैं, ओकाड़ा का इवेंट है, रोड मास्टर पे गया। अच्छा अली भाई, अब इसकी सीट के बारे में बताइएगा कि जहाँ तक मुझे नॉलेज थी कि रोड मास्टर में भी सिंगल सीट आती थी, मगर ये सेपरेट सीट्स हैं, तो ये मॉडल का डिफरेंस है या ये क्या है? नहीं सर, ये जो सिंगल सीट्स आती थी, काफ़ी सारे दोस्त अभी भी सिंगल सीट्स यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोगों का ज़्यादातर होता है पाकिस्तान के अंदर जो खूबसूरत इलाके हैं, गिलगित हो गया, बल्तिस्तान हो गया, गुजराब हो गया, बलूचिस्तान हो गया, हम लोग अक्सर टूर के लिए निकलते हैं तो हम लोग ये सीट यहाँ से इसके रिमूव कर देते हैं, ये इजीली है ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना पीछे सामान वगैरह रख लेते हैं। अच्छा, अब इसके जो थे रोड मास्टर के, ये मडगार्ड्स का जो डिज़ाइन था जी जी ठीक है, ये गालिबन जो है वो 175 से ही एग्जैक्टली इसी तरह का है, मगर इसमें मेरे ख्याल से आप करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग कि क्रोम वाले मडगार्ड सिर्फ इसी में आए थे और पिछले मॉडल्स में पेंटेड हुआ करते थे मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल सर, इस तरह के रोड मास्टर से पहले 185 और 175 था, 175 में जो मोटर गार्ड आए थे वो पेंट होते थे, सेम पेंट होते थे, फिर उसके बाद जो अब थोड़ा सा इसमें मॉडल में जब अप होना शुरू हुआ, ये जो मोटर गार्ड लगे हुए ये दुबई संभल के लगे हुए हैं। अच्छा, आपने एक इंट्रोडक्शन में हमारी एक और भी चीज़ बताई थी कि आपने इसको CDI में कन्वर्ट किया हुआ। जी बिल्कुल, CDI वो किस तरह से सर? CDI में इस वजह से कन्वर्ट किया, अक्सर दोस्त मुझसे ये पूछते हैं कि अली भाई पॉइंट में बड़ा मसला आता है, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि CDI जो है वो सबसे बेस्ट है, जो खास करके टूर्स के लिए जाते हैं दोस्त वगैरह। CDI में मुझे ज़्यादा चेंजिंग नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मैंने जब वेबसाइट खोली दुबई में ज़्यादातर वो CDI यूज़ हो रहे थे, तो फिर मुझे ये साइड का कवर जो है ये CDI, इसके पूरे इसके अंदर पूरा गुच्छा होता है पंजाबी ज़ुबान में, हमारे जिसको गुच्छा बोलते हैं, CDI का पूरा यूनिट होता है, तो वो यूनिट ला के इसको यूनिट लगाया और साथ ही इसकी जो है वायरिंग जो है वो थोड़ी सी चेंज करनी पड़ी, यूनिट पॉइंट से आपको CDI भी करना पड़ा, थोड़ा सा आपको इसमें बड़ा यूनिट रखना पड़ा, मुझे मैंने इसमें 125 का बड़ा यूनिट रखा है साइड्स पे ठीक है, तो उसके बाद इसको मैंने CDI कर दिया। और इस स्पेसिफिक बाइक का सेल्फ वर्किंग है, और इसकी बैटरी के बारे में बताइएगा वो कौन सी है आप इस्तेमाल सर? इसमें मैंने बैटरी जो डाली हुई है 12 वोल्ट 12 एम्पीयर की इसकी बैटरी है ठीक है, और नॉर्मल बैटरी इसमें नहीं चल सकती, क्योंकि सेल्फ के लिए जो है वो आपको सबसे ज़रूरी है कि वोल्टेज वगैरह उसके पूरे 12 वोल्ट 12 एम्पीयर की बैटरी यूज़ करनी चाहिए, तो उसमें ये कि आपको लाइट्स का भी इशू नहीं होता, सेल्फ भी आपका ख़राब नहीं होता, सबसे मेन जो चीज़ होती है इसमें जल्दी जो ख़राब होती है वो इसको पावर मिलने ना पूरा करंट नहीं मिलता, वो इसके अंदर के सेल्फ की गिराड़ियाँ होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। इसकी हम आते हैं ब्रेक्स की तरह से, व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि फ्रंट भी ड्रम ब्रेक्स हैं, रेयर भी ड्रम ब्रेक्स हैं। ब्रेक शूज आप ओरिजिनल मिल जाते हैं या कोई वो भी आप सोर्स कर रहे हैं किसी और जापानीज बाइक से? अक्सर इस तरह होता है सर कि ड्रम रबर जो है स्पेशली रोड मास्टर के अगर हमें नहीं भी मिलते, तो इसमें कुदरती बात है कि इसमें 125 के आप इसमें कोई और ड्रम रबर नहीं यूज़ कर सकते, फिर हम इस तरह करते हैं कि वो ड्रम रबर निकाल के उसके ऊपर मजीद ऊपर लैपिंग करते हैं, कवर वगैरह चढ़ा के उसी को दोबारा हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर चल पड़ता है उस तरह। और ब्रेकिंग परफॉर्मेंस क्या है? है तो ये 1982 मॉडल, आई नो के बाइक का इटसेल्फ वेट भी ज़्यादा है, मगर एक मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के लिहाज से इसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस कैसी सर? रोड मास्टर इसको इसी वजह से कहा गया है क्योंकि इसकी रोड ग्रिप बहुत अच्छी है। अच्छा व्यूवर्स, अब इसके राइडिंग एक्सपीरियंस की तरफ आते हैं। इस बाइक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 6.9 inches है, जो आई थिंक सो मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के लिहाज से काफ़ी कम है, और इसका इंजन जो है वो 16 BHP बनाता है, और ऑन पेपर इसकी टॉप स्पीड जो है वो 116 km/h है। हम अली भाई से पूछते हैं क्योंकि ये इसको माशाल्लाह से डेली यूज़ करते हैं कि इनका क्या एक्सपीरियंस है, ऑन पेपर जो इसके नंबर्स हैं मगर इनका सड़क पे चलाते हुए इनका क्या एक्सपीरियंस है कि इसकी टॉप स्पीड इन्होंने कितनी मेंटेन की है और बाकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस और ग्राउंड क्लियरेंस इनको किस तरह से मिली है? जी अली भाई, हम लोग माशाल्लाह इस पर अभी लास्ट हम लोग जो है वो CRC का इवेंट था
लाहौर से क्वेटा बलूचिस्तान का था, वर्ल्ड टूरिज्म डे था, तो उसमें हम लोग यहाँ से क्वेटा गए और क्वेटा से वापसी भी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का एहसान है कि अभी तक तो इसने तंग नहीं किया और आगे भी कोशिश मैं दोस्तों को यही बताना चाहूँगा कि आपकी बाइक्स में थोड़ा सा भी कोई ना कोई इशू होता है तो आप उसको उसी टाइम ठीक करवा लिया करें, क्योंकि अक्सर दोस्त होते हैं वो एक आपकी फैमिली में आपके बड़ों की निशानी होती है, उसको हम उठा के भेज देते हैं। तो कोशिश हमें ये करना चाहिए कि हम अपने शौक को उसी तरह रखें और उस चीज़ को हम लोग अगर उसका थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम है उसी टाइम हम लोग उसको सेट करवा लिया करें तो अल्लाह करता है। ये माशाल्लाह आपके सामने 1982 का मॉडल है और अभी तक ये चल रहा है और अगर थोड़ा सा कोई मसला होता है तो हम लोग उसी टाइम इसका काम करवा लेते हैं। ठीक है। अच्छा, इसकी फ्यूल कैपेसिटी जो है वो 10.5 लीटर्स है, तो आप हमारे व्यूवर्स को बताएंगे कि आपको क्या पर लीटर ये एवरेज दे रही है? नॉर्मल जो है ये इन सिटी और आउट लॉन्ग ड्राइव पे ये होता है कि अक्सर दोस्त ये कहते हैं कि यार लॉन्ग ड्राइव पे तो नॉर्मल फ्यूल यूज़ होता है, ठीक है, और जहाँ पे रश वगैरह तो मींस के जैसे हम लाहौर के अंदर घूम रहे होते हैं तो उसमें हमें ये होता है कि 26 से 27 पे होता रहता है, मतलब कि एक लीटर जो है वो इस तरह कर रहा होता है। लॉन्ग टूर पे हमें अच्छा होता है, उसमें ये होता है कि लॉन्ग टूर पे आपको ब्रेक नहीं लगानी पड़ती बार बार। और अभी हम लोग पेशावर का मैं यहाँ से सुबह निकला था इस्लामाबाद के लिए, सुबह कुछ 7:30 बजे का टाइम था, 11:30 बजे मैं इस्लामाबाद था, मेरा इस पर 1000 का मैंने इसके अंदर फ्यूल डाला था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरा इस्लामाबाद भी घूमा और उसके बाद जो है जेलम तक मेरी वापसी हुई तो उसको रिजर्व लगाया और उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर फ्यूल डाला है। मीन्स के लॉन्ग टूर पे इसका फ्यूल जो है एवरेज वो बहुत अच्छी आपको मिलती है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी। और इसमें आप इंजन ऑयल कौन सा यूज़ कर रहे हैं? इसमें हम लोग अक्सर जो यूज़ करते हैं या ज़्यादातर हैवेलिन का यूज़ करते हैं। और कितने लीटर इसमें डलते हैं? इसमें नॉर्मल जो है 1.5 लीटर ही डल रहा होता है। इस बाइक में ये रोड मास्टर में जो गियर का ऑप्शन है, दोस्त अक्सर पूछते हैं कि इसका गियर जो है वो किस तरह लगता है, मैं उनको बताना चाहूँगा कि इसका जो साइड कवर इसके ऊपर इन्होंने मेंशन किया होता है, फर्स्ट गियर जो इसका है वो डाउन करें आगे की तरफ पहला गियर लगता है, बाकी के चार गियर जो है तीन गियर जो है वो पीछे, टोटल ये चार गियर होते हैं। अगर आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं 5 गियर पर भी ये एडजस्ट हो जाता है, लेकिन वो मॉडिफिकेशन आप करते हैं तो उसके साथ इंजन पर फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा अली भाई, बताइएगा आपने तो इसको रिस्टोर किया, इसकी रेस्टोरेशन कॉस्ट एक रफली क्या होगी और मार्केट में इस बाइक की अगर आप रिस्टोर्ड बाइक खरीदने जाते हैं तो क्या वैल्यू मिलेगी? देखिए, हम लोग अक्सर जब बाइक कोई भी क्लासिक्स बाइक्स या जैपनीज बाइक्स में कोई ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है, तो पहले उसको देखते हैं कि ये किस कंडीशन में है, ठीक है, उसकी कंडीशन देख के उस हिसाब से हम लोग उस प्राइस में हम लोग लेते हैं, ठीक है। अभी ये बाइक मैंने ली थी 60,000 की, ठीक है, क्योंकि इसके पेपर कम्प्लीट थे और डॉक्यूमेंट्स वगैरह 1-2 आवर क्लियर थे, फाइल्स कम्प्लीट थी 60,000 के लिए कि इसके ऊपर 60 मेरा मज़ीद ऊपर लग गया तो ये मुझे जो है इस टाइम 1,20,000 रुपये में ये पड़ी हुई है, 120 की ये मुझे पड़ी हुई है। और अगर शौकीन कस्टमर है, सेल की जब बात करते हैं तो शौकीन कस्टमर भी डिपेंड करता है, जाहिर सी बात है 20-30 हम लोगों ने ऊपर रखी है, हम लोग आगे सेल करते हैं, 1,60,000-1,70,000 रुपये में ये बाइक ईजिली मिल जाती है। मतलब कि कोई भी जो इस बाइक को ख़रीदना चाहते हैं रिस्टोर्ड हालत में वो खरीद सकते हैं, 1,60,000-1,70,000 रुपये में ईजिली जो है ये खरीदी जा सकती है। ठीक हो गया, शुक्रिया अली भाई, आज आपने इस बाइक का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपकी जो भी ब्रिटिश बाइक्स की जो कलेक्शन है वो भी आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें इंशाल्लाह, और इस नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में हम उनको भी ला के उनका भी एक प्रॉपर इन डेप्थ रिव्यू करें। व्यूअर्स, अगर आप इस बाइक में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे यूज़ बाइक सेक्शन को विज़िट कीजिए और हमारी अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर टैप कीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ीद वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रही है। इंशाल्लाह आपको एक और नेक्स्ट वीडियो में एक नई बाइक के साथ इन डेप्थ रिव्यू में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। गाड़ी की डील्स ओनली ऑन पंक्स।